नमस्कार दोस्तों, छठ पूजा के दूसरे दिन खरना की पूजा की विधि के साथ मैं श्वेता आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूं। आस्था के इस महापर्व की शुरुआत हो चुकी है। मैं आपको बाजार का दृश्य दिखाऊंगी, साथ ही व्रती किस प्रकार से छठ मैया की पूजा आराधना कर रही हैं, गंगा घाट का दृश्य और खरना के प्रसाद को बना रही व्रती के साथ पूजा की संपूर्ण विधि को मैं आपको दिखाऊंगी। खरना के आटा को तैयार करने के लिए मिलों में विशेष व्यवस्था की गई है। मिल संचालन ने पर्व को देखते हुए मिलों को धोकर रखा है, जहां छठ पूजा के लिए गेहूं की पिसाई की जाएगी। कई घरों में व्रती खुद ही चक्की में गेहूं की पिसाई कर रही हैं और छठ मैया के प्रसाद बनाने की तैयारी कर रही हैं। खरना के दिन व्रती पूरे दिन उपवास करती हैं और संध्या सूर्यास्त के बाद प्रसाद बनाती हैं। छठ के दूसरे दिन को खरना कहा जाता है। छठ के दूसरे दिन व्रती गंगा में स्नान करती हैं। घर आने के पश्चात वो बड़ी ही श्रद्धा से छठी मैया के प्रसाद बनाने की तैयारी करती हैं। प्रसाद में खीर और रोटी बनाई जाती है। कहीं कहीं पर खीर और पूरी का भी विधान है। खीर और रोटी को मिट्टी के चूल्हे पर बनाया जाता है। इसके बाद छठी मैया को भोग लगाया जाता है। इसे बड़े ही नियम से बनाया जाता है। मिट्टी के चूल्हे आम की लकड़ी और नए या पीतल के बर्तनों का प्रयोग किया जाता है। प्रसाद बनाने के पश्चात केले के पत्ते पर खीर और रोटी को रखा जाता है, छठी मैया को समर्पित किया जाता है। भोग लगाने के पश्चात व्रती इस प्रसाद को ग्रहण करती है और सभी लोगों में इस प्रसाद को बांटा जाता है। इस प्रसाद को पाना ही सभी के लिए सौभाग्य की बात होती है। प्रसाद ग्रहण करने के पश्चात व्रती 36 घंटे का निराजल कठिन व्रत करती है। सुबह के अर्घ के पश्चात ही 36 घंटों तक चलने वाला यह कठिन व्रत समाप्त हो जाता है। तो चलिए चलते हैं, विभिन्न घरों में किस प्रकार से छठ पूजा के प्रसाद बनाने की तैयारी चल रही है, किस प्रकार से व्रती छठ मैया के लिए प्रसाद को बना रही है, उन सभी दृश्यों को मैं आपको दिखाऊंगी। मेरे वीडियोस के थर्ड पार्ट को देखने के लिए अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ऐसे ही बेहतरीन वीडियोस के लिए देखते रहें हर दिन कुछ नया। और अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कर दीजिए और मेरे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। बेल आइकन को ज़रूर दबाइए, जिससे आपको मेरे वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। छठी मैया की कृपा हम सब पर सदैव बने रहें। जय छठी मैया।